नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज रिगार्डिंग जो इससे पहले भी वीडियो में मैंने कहा था, आज से जो है आपका एग्ज़ाम सिटी, आपका कब डेट है सभी आप जान सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ पे एग्ज़ाम है आपको, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो कुछ ही जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले देख लो, यहाँ पर मैंने जैसे RRB कोलकाता, आप कहीं पर भी कोई भी RRB में करोगे तो लिंक एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ द लिंक गिवन, क्लिक हियर टू नो योर एग्ज़ाम डेट सिटी, डाउनलोड ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC ST कैंडिडेट का भी आप जो है एक आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, उससे आप अपना टिकट जो है काट सकते हो। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगा, सिटी पता चल जाएगा, शिफ्ट कब, कौन सा शिफ्ट है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस आर द इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, और एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चे वो पूछ रहे थे, सर जैसे मैंने गुवाहाटी के लिए अप्लाई किया होगा, या मैंने उड़ीसा के लिए, पटना के लिए, साउथ के लिए, तो एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे हो सकता है? तो देखो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे देखा जा रहा है, जो सपोज़ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो RRB कोलकाता के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन उनका सीट जो है भुवनेश्वर में आया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गुवाहाटी के लिए अप्लाई किए लेकिन उनका सेंटर जो है कोलकाता में ही आया है। एक्चुअली रेलवे अथॉरिटी की तरफ से यही किया गया है, जिनको जहाँ है उनको वहीं पे दिया जाए, मैक्सिमम ट्राई किया गया है, जिनको नहीं दे पाए उनको ही बाहर भेजा गया है। तो आप ज़रूर देख लो, सपोज़ आपने बाहर भी अप्लाई करके रखे होंगे लेकिन आपका जो सेंटर कोलकाता में, सपोज़ आपने गुवाहाटी के लिए अप्लाई किया है लेकिन आप हो कोलकाता से, तो आपको कोलकाता मिल सकता है, जैसे मेरे एक स्टूडेंट्स को मिला है। तो आप ये चेक करो, लेकिन ये भी उल्टा भी हो सकता है, आपने यहाँ के लिए अप्लाई किया है, बाहर में भी आपको मिल सकता है। तो देख लो और प्रिपरेशन कर लो, उसी हिसाब से आप प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, कितने दिन आपके पास है, किसी के पास 10 दिन होगा, किसी के पास 20 दिन होगा, किसी के पास 30 दिन होगा, तो ये ज़रूर देख के बताओ और मुझे कमेंट करके बताओ गाइस, और आपका डेट क्या है। और कोई भी चैप्टर ऐसा हो जहाँ पे आपको दिक्कत अभी भी हो रहा है तो ज़रूर मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, मैं आपको उसमें एक वीडियो देके बता देने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो का सकते हैं। गुड बाय।